जहाँ तक मैश का ताल्लुक है, मैश अगर आपको यू रिक्वायर्ड हैं तो मैश आप इस तरह क्रिएट करते हो, लाइक कि आपके पास एक सिंपल सा एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल पे डिफॉल्ट वैल्यूज ले लेते हैं, डिफॉल्ट कलर आपको पता है फिल इसका वाइट होता है और स्ट्रोक इसका ब्लैक होता है, ठीक है। ब्लैक को अगर आपने एक्सपैंड करना हो यहाँ पे एक्सपैंड करके भी देख सकते हो। अब जरा मैं आपको नेक्स्ट जो टूल है हमारा मैश का वो अटेम्प्ट करते हैं। तो मैश क्या करता है, मैश टूल आपका ये टूल होता है दिस वन। और मैश की प्रॉपर्टीज अगर आप इसको चेक करना चाहो या चेंज करना चाहो मैश की प्रॉपर्टीज, तो ये आपको यहाँ पे अवेलेबल है क्रिएट ग्रेडियंट मैश में। ऑब्जेक्ट मेन्यू में इस वक्त मेरा करंटली ऑब्जेक्ट जो सिलेक्ट है वो रेक्टेंगल है। ऑब्जेक्ट मेन्यू में क्रिएट ग्रेडियंट मैश, जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको मैश नजर आती है एक सिंपल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वर्टिकल आपको तीन कॉलम नजर आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल आपको फोर रोज नजर आ रही हैं। इस मैश को आप ज्यादा कम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जितनी आपने यहाँ पे लाइंस या पॉइंट्स क्रिएट करने हैं मैश के लिए यहाँ पे आप क्रिएट कर लो। तो ये आपने रोज फोर बनाई हैं, आप कॉलम्स आपको थ्री हैं, इसको ज़्यादा भी कर सकते, फोर कर दो, फाइव कर दो, जितना आपको रिक्वायर्ड है। और ये करने के बाद इसको अगर आप टू सेंटर करना चाहो या टू एज करना चाहो, ये दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। ये अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। बाय डिफॉल्ट फ्लैट होता है और जहाँ पे हाईलाइट करना है वहाँ पे हाईलाइट भी आप कर सकते हो। ये मैं आपको ओके करके दिखाता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे ये हैंडल्स के साथ ये कॉर्न आपके एंकर्स आ जाते हैं, ये एंकर्स हैं। अब इस एंकर का फायदा ये है कि जिस पॉइंट पे आप जो कलर यहाँ पे रखना चाह रहे हो वो कलर आप यहाँ से इसके अंदर से एक्टिवेट कर सकते हो, लाइक दिस। जिस पॉइंट पे आपने कलर को ऐड करना है उस पॉइंट को एक्टिवेट करके वहाँ पे कलर को प्लेस कर सकते हो, जिस पॉइंट पे करना है वो कलर आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो ये मैश है। मैश में आपको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आपकी लाइंस आपको अप्लाई हो जाती हैं और उन लाइंस के ऊपर जो कलर्स आप प्लेस करना चाहो फ्रॉम योर पैलेट फ्रॉम योर कलर, ये आप यहाँ से इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। जो जो कलर आप इसमें रखना चाहो आप यहाँ पे रख सकते हो। और अगर आप ये कलर्स की जो प्रेजेंस है इनके बॉर्डर्स के क्रॉस करना चाहो तो इन एंकर्स को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, लाइक दिस। अंडू कर देते हैं एवरीथिंग। ये आपके पास एक मैश आपने क्रिएट कर दिया, ये आपको ग्रिड्स यहाँ पे नजर आ रही होंगी। इफ यू वांट टू पुट सम कलर ऑन योर बॉर्डर्स, ये देखो कैसे करेंगे। यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट और इसमें राइट सुटेबल ऑप्शन इज लेसो टूल। लेसो टूल से आप इनको एंकर्स को एक्टिवेट कर सकते हो, लाइक दिस। ये आपके बॉर्डर्स, ठीक है, ये बॉर्डर्स के एंकर एक्टिवेट हो गए। इसी तरह इधर करना है, शिफ्ट के साथ कर लीजिएगा, नहीं जी ये भी एक्टिवेट हो गए। अगर आपको कहा जाए कि ये भी कर दो, इसको भी कर लेते हैं शिप के साथ, इसको भी एक्टिवेट कर लेते हैं, ये भी एंकर्स आ गए। इधर वाले भी करने हैं शिप के साथ, इनको भी कर लो, ये भी एक्टिवेट हो गए। जब ये एंकर्स एक्टिवेट हो जाए इस पे आप कोई कलर्स मिसाल के तौर पे ब्लैक करना है आपने, ये देख रहे हो फ्रेम के अराउंड आपको ब्लैक शेड आपको दिख रहा है। वंस अगेन इसको मैं दोबारा से अटेम्प्ट करता हूँ, ये देखिएगा। इसको एक ही गो में भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंकर्स को, लाइक दिस। लेसो टूल, लेसो टूल से आप इनको इस तरह सिलेक्ट कर लो। जी ये एंकर्स एक्टिवेट हो गए और इनके ऊपर जो भी कलर रखना चाहो आप कलर की प्रेजेंस इस तरह दे सकते हो। इस आर्टवर्क को थोड़ा डिस्टेंस कर लेते हैं, ये देखिएगा। तो मैश क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास ऑप्शन होती है जिसके थ्रू आप मैश को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये मैश टूल ये मौजूद है, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं चाहिए इसको डिलीट भी कर सकते हो आप, अगर आपको नहीं चाहिए आप डिलीट कर दो। दोबारा से देखिएगा, मैश क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है कि जो भी आपके पास शेप है मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक सिंपल सा आर्ट बोर्ड, आर्टबोर्ड के ऊपर हम एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है।
इस सर्किल के ऊपर अगर आप डिफॉल्ट वैल्यूज को देखें तो डिफॉल्ट आपका स्ट्रोक है ब्लैक और फिल है वाइट। एक तो यह है कि प्लेन आपको सॉलिड कलर चाहिए, वाइट ब्लैक ग्रीन या आपको यहाँ से कर सकते हो, कोई भी कलर आप सॉलिड इसके अंदर आप देना चाहो तो आपको पता है कि आपने यहाँ से इसमें से जो भी कलर आप प्लेस करना चाहो इनसाइड सिंगल कलर तो यहाँ से हो जाता है, ठीक है। और अगर आप इसमें मैश करना चाह रहे हो, डिफॉल्ट ले लेते हैं, अगेन मैश क्रिएट करना चाह रहे हो तो मैश टूल ये या यू शॉर्टकट की है, इस पर आप क्लिक कर दो और यहाँ पे जिस पॉइंट पे आप यहाँ पे ऐड ऑन करना चाह रहे हो वहां पे आप क्लिक कर सकते हो। अगर सेंटर में करना है सेंटर में क्लिक कर दो, ये देखो सेंटर में क्लिक करती है आपकी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल आपके पास लाइंस आ जाएंगी। और इसमें अब आपको अगर चाह रहे हो इसमें कलर्स को प्रेजेंट करना चाह रहे हो, अगर मजीद आपको मैश लाइंस चाहिए आप इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो लाइक दिस, इधर भी करनी है लाइक दिस। तो जैसे आप इसके आउटलाइन पे आप क्लिक करते हो तो आपकी एक वर्टिकल डिवीजन यहाँ पे आ जाती है, हाँ अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक हॉरिजॉन्टल भी आ जाएगी। जितनी आप लाइनें लगाना चाहो आप लगा सकते हो। दूसरा वे आपको मैंने जो पहला बताया वो ये कि आप यहाँ से जाके क्रिएट ग्रेडियंट मैश भी कर सकते हो, ठीक है। सेकंड वे इज दैट कि आप इसी शेप के ऊपर आप बॉर्डर्स पे क्लिक करोगे तो बॉर्डर्स के वर्टिकल और वर्ट अगर हॉरिजॉन्टल करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल आपकी मैश की डिवीजन आ जाएगी। और अगर आप कहीं सेंटर में क्लिक करते हो यहाँ करके तो यहाँ पे एक वर्टिकल भी आएगी और हॉरिजॉन्टल भी आएगी, यहाँ पे अगर क्लिक करते हो ये देखो जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये देखो। तो जब ये मैश लाइन्स आ जाती हैं और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपको ये एंकर्स आपको पता है, अगर आपको एंकर्स नहीं चाहिए आप एंकर्स को सेलेक्ट करके रिमूव भी कर सकते हो। और एंकर रिमूव करने के आपके पास इसके अलावा भी वे होते हैं, पेन टूल से भी कर सकते हो। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप ये पॉइंट्स आपको नहीं चाहिए इनको सेलेक्ट करके आप रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। ये एंकर्स आपके सेलेक्ट हो गए हैं, डिलीट कर दो। यहाँ ऑब्जेक्ट पैनल में आपको पाथ भी मैंने सिखाया था, ठीक है, वहां से भी आप इसको सेलेक्ट करके रिमूव कर सकते हो। एंकर्स को ऐसे आप यहां से भी कर सकते हो रिमूव अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। और अगर आप इसमें कोई कलर्स की प्रेजेंस चाह रहे हो, ठीक है, इसमें कलर्स की प्रेजेंस चाह रहे हो तो आप इसमें अगर सारे में चाह रहे हो कलर की प्रेजेंस तो आप सारे को एक्टिवेट कर दो। और सिंगल कलर आपको पता है यहाँ से आप जो भी कलर्स में रखना चाहो, ये कलर्स आपके पास मौजूद हैं, इनमें से जो भी कलर आप पुट करना चाहो, स्वाचेस को ऑन कर लो, ये स्वाचेस भी हैं, यहाँ से भी आप कलर्स अपनी मर्जी से इस के इनसाइड आप पुट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए चूंकि ये आपका मैश ऑब्जेक्ट बन चुका है तो इसमें एंकर्स को आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक करने के लिए या तो आप ये सिलेक्ट कर लो या आपके पास सेंटर में अगर आपको कलर की प्रेजेंस चाहिए आप इसको एक्टिवेट करके यहाँ पे कलर आप देख रहे हो, कलर आपका एक्सपैंड हो रहा है उस पॉइंट से दूसरे डिफरेंट पॉइंट्स की तरफ एक्सपैंड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जिस आप पॉइंट को एंकर को सिलेक्ट कर लोगे, एक से ज़्यादा करना शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो लाइक दिस, शिफ्ट 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 शिफ्ट, ये क्या करेगा कि जो आपने एक्टिवेट किए हैं यहाँ पे कलर्स की प्रेजेंस जो भी आप यहाँ पे रखना चाह रहे हो, ये आपका कलर स्प्रेड होगा टूवर्ड्स जो इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उस तरफ लाइक दिस, ये देखिएगा, क्लिक शिफ्ट के साथ क्लिक शिफ्ट के साथ क्लिक शिफ्ट के साथ क्लिक एंड शिफ्ट के साथ क्लिक। ऑफ करने के लिए दोबारा शिफ्ट के साथ क्लिक करके ऑफ भी हो जाता है, एक दफ़ा ऑन होगा एक दफ़ा शिफ्ट के साथ क्लिक करने से ऑफ होगा। यहाँ पे मिसाल के तौर पर आप ब्लैक कलर की प्रेजेंस चाह रहे हो, ये लो, ठीक है जी, और ये ब्लैक आपका ब्लेंड हो रहा है टूवर्ड्स इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है, दोनों तरफ देख रहे हो ब्लेंड हो रहा है। और अगर आप इसमें इसका जो कलर ये देख रहे हो किस तरह आपका ये ऑब्जेक्ट विद ब्लेंडिंग या विद मैश टूल ब्लेंड ऑफ कलर्स के साथ ये क्रिएट हो रहा है, तो इस तरह आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहो आप इसको क्रिएट कर सकते हो। और इसमें एक चीज़ और, ये आपके पास जो मैश का टूल होता है इसको आप अगर आप क्लिक करके इस पॉइंट पे अब इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो लाइक दिस, ये देखो
और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी एक्सट्रीम बॉर्डर को भी आप क्लिक करके आप बाहर की तरफ पुश कर सकते हो लाइक दिस। ये देख रहे हो, भी आपने ऐसी शेप बनानी हो तो इसमें कलर्स के ब्लेंडिंग भी आपको दिखाई देगी। कभी आपको जरूरत पड़ जाती है इस तरह की शेप बनाने में तो ये आपको भी हेल्प करता है। इसका मतलब है कि जब कभी आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है, लाइक इफ यू वांट टू मेक ए मैंगो शेप, ठीक है, तो ये आपके पास एक शेप है। इसमें अगर आप सिंगल कलर की प्रेजेंस चाह रहे हो वो तो मसला ही कोई नहीं है, वो तो आप कोई भी कलर इसमें आप ऐड कर सकते हो। और अगर इस कलर की वैल्यूज को आप चेंज करना चाह रहे हो तो ये आपके पास कलर्स की यहाँ से वैल्यूज आप चेंज भी कर सकते हो, चाहे आप ग्रे स्केल ले लो चाहे आप RGB ले लो, शो ऑप्शंस एक्टिवेट कर दो, यहाँ से इसके कलर्स को आप CMYK की वैल्यू को आप कम ज़्यादा करके भी इस कलर को मजीद प्रोमिनेंट जैसा करना हो आप कर सकते हो। मेजेंटा का कितना आपका परसेंटेज, येलो का कितना परसेंटेज, यहाँ से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, या यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करने से भी आप कलर दे सकते हो। और ये आपने एक मैंगो, और इसमें आपको मैंगो की शेप के लिए विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहो, डायरेक्शन देना चाहो, या इसको एक्टिवेट करके यहाँ से हैंडल के थ्रू इसकी शेप करना चाहो, आप कर सकते हो। जब ये आपने कर लिया, अगला काम आप मैश के थ्रू इसमें आप इसके बॉर्डर के ऊपर कोई स्पेसिफिक कलर की प्रेजेंस, थोड़ा सा इसकी डार्कनेस आप देना चाह रहे हो तो मैश से आप इजीली इसको कर सकते हो। मैश टूल के लिए ये आपके पास अवेलेबल है ये, और जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप जिस जगह पे मैश की वैल्यूज जनरेट करना चाह रहे हो वहाँ पे आप क्लिक कर दो लाइक दिस लाइक दिस। और जिन एंकर्स को एक्टिवेट करना है आप एक्टिवेट कर लो, स्टिल यू हैव ए चांस टू मूव लाइक दिस, ठीक है, शेप इसमें है उस हिसाब से वो सेट कर देगा। अगर आप चाह रहे हो कि इसके बॉर्डर के ऊपर थोड़ा सा कलर को डार्क किया जाए दोनों साइड के, तो इसको सिलेक्ट कर लो लाइक दिस, ये सिलेक्ट कर लें इसे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कलर आप थोड़ा डार्क करना है, डार्क कर दो, ग्रीनिश टोन देनी है ये दो। दोबारा से देखिएगा, यू नीड टू सेलेक्ट एंकर्स लाइक दिस। आप चाह रहे हो सिर्फ इसके एजेस के ऊपर थोड़ा सा कलर को डार्क कर दिया जाए, ठीक है, थोड़ा सा कलर को डार्क कर दिया जाए, तो ये आप इस तरह इसको कर सकते हो। ये पॉइंट आपके सिलेक्टेड हैं, इस पे आप इसकी वैल्यू को हाई या लो जो भी करना है आप कर सकते हो। यहाँ से आप इसको डार्क शेड भी दे सकते हो लाइक दिस, जितना आपने डार्क टोन देनी है आप दे सकते हो। और अगर आपको कहा जाए कि इसके सेंटर में यहाँ पे कलर को प्रेजेंट करना चाह रहे हो तो अगेन मैश टूल यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आके ये प्लस आपको दिखाई देगा, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे इस पॉइंट पे एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन आ जाएगी इस तरह, और जो लास्ट कलर होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो कलर आप पहले से लेना है पहले से ले लो, बाद में करना है बाद में भी कर सकते हो। अंडू कर दो, अंडू करने के बाद यहाँ पे जो कलर की प्रेजेंस चाह रहे हो वो आप यहाँ पे पहले ऑन कर दीजिएगा, ठीक है, ये कलर है इस वक्त, ये चाहे आप यहाँ से आप एक्टिवेट कर दो जो भी आप देना चाह रहे हो, तो ये कलर आप पहले सेलेक्ट कर लो। और फिर मैश टूल को आप ये यू इसकी शॉर्टकट की है, और जिस पॉइंट पे आओगे वहाँ पे एक नया पॉइंट क्रिएट हो जाएगा विद दैट कलर जो आपने करंट सेलेक्ट किया है। और अगर आप इसमें वैल्यू चेंज करना चाहो, यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट, देन यहाँ से इसकी वैल्यूज को आप आगे पीछे करके जो भी आपने सेट करना है इसका कलर, ये यहाँ से आप दे दीजिएगा, ठीक है जी। इस तरह एक सिंपल सा आप एक मैश टूल के साथ डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कलर्स की प्रेजेंस आप कर सकते हो लाइक दिस। या आपके पास एक शेप है, ठीक है, जो कि लीव के तौर पे आप इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो ये जैसे, ठीक है, ये लीव है आपका, लीव के तौर पे आप इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो तो इसको आप सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको या तो दो सर्कल बना के उसका इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लो, वो भी मैंने बताया था। फिर मैंने ये बताया था इसके एजेस को अगर शार्प करना हो तो शार्प करने के लिए एंकर पॉइंट टूल होता है, यहाँ से भी आप इसको शार्प कर सकते हो लाइक दिस। इसको भी करना है ये लो, ठीक है।
बाकी इसको लीव की शेप को आप अपनी मर्जी से इन हैंडल से भी आप कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे डिवीजन क्रिएट करनी है, एक आपने सिंपल सी वाइट बीम दिखानी है, तो मैश टूल से आप इसे क्रिएट कर लो। ये मैश है, सेंटर पॉइंट करना है, ये लो क्लिक कर दो, ये सेंटर पॉइंट पे ये मैश की प्रेजेंस, आपकी हैंडल्स की प्रेजेंस यहाँ पे नजर आ रही है। और यहाँ पे अगर इसके बराबर में एक और मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे डिवीजन, एक मैं यहाँ लगा देता हूँ डिवीजन, ठीक है। और अब मैं एक्टिवेट करता हूँ सेंटर पॉइंट को, मैश टूल के साथ आपने सेंटर पॉइंट को एक्टिवेट कर दो लाइक दिस, ठीक है। और इसके सेंटर यहाँ पे भी इसको भी सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ कर लो। नीचे वाले पॉइंट को भी सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ कर लो। तो तीन पॉइंट्स मैंने सिलेक्ट कर लिए, शिफ्ट के साथ आप एक्टिवेट कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप प्रेजेंस चाह रहे हो व्हाइट कलर की, ये लो ये व्हाइट कलर, आपके इस पॉइंट पे व्हाइट की एक लाइट सी बीम आपको ये नजर आ रही है। और इसको आप पुट करना चाह रहे हो ओवर द मैंगो, सेलेक्ट देन मूव। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक सिंपल सा टूल जिसको आप यूज करते हुए, आप ग्रेडियंट और मैश टूल को यूज करते हुए, इसमें मैश में भी याद रखना ये कलर्स आपके स्प्रेड होते हैं, उस पॉइंट के राउंड स्प्रेड होते हैं। तो ये देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन है और व्हाइट आपका ग्रीन की तरफ भी स्प्रेड ऑन लेफ्ट साइड भी हो रहा है और ऑन राइट साइड भी हो रहा है, और दरमियान ये ब्लेंडिंग हो रही है कलर्स की, ठीक है। ये आपको कलर की ब्लेंडिंग नजर आ रही है। वन मोर थिंग जो मैं इस लैब में बताना चाहूंगा, बाद आपको यहाँ पे ग्रेडियंट क्रिएट करने पड़ते हैं, लेकिन उसको आप स्प्लिट भी करना चाह रहे हो, कलर्स को आप स्प्लिट भी करना चाह रहे हो लाइक दिस। ये देखिए ये कार्डबोर्ड है और कार्डबोर्ड के ऊपर आप ग्रेडियंट्स को प्ले करना चाह रहे हो लाइक दिस। ये जी ये आपकी आपके पास शेप, ये आपने शेप ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये आपने एक शेप ड्रॉ कर दी, इसके अंदर ग्रेडियंट फिल कर देते हैं। ये ग्रेडियंट फिल आपने यहाँ पे कर दी है, ठीक है। ये कलर्स आपको यहाँ पे प्रेजेंस की नजर आ रही होगी ग्रेडियंट की। और ये डिफॉल्ट आपका वैसे ये होता है व्हाइट एंड ब्लैक, और अगर आप सेकंड टेम्पलेट की तरफ जाओ तो ये भी आपका ऑरेंज टू येलो। ये आपके पास स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, ये आपके पास इसकी स्ट्रिप्स नजर आ रही हैं। और अगर इन स्टेप्स को आप यहाँ पे प्रॉपर देखना चाह रहे हो स्टूडेंट्स, तो आपको ऑब्जेक्ट मेन्यू में एक्सपैंड कर लीजिएगा। एक नई चीज इसमें ऐड कर रहा हूँ, ये प्रीवियस लैब में मैंने नहीं बताई थी, एक्सपैंड। एक्सपैंड क्या करते हैं कि आपके जो भी कलर्स की प्रेजेंस है यहाँ पे, एक्सपैंड पे क्लिक करते ही स्टूडेंट्स इसमें देखिएगा, आपको मैंने कुछ रोज पहले ऑब्जेक्ट और फिल का बताया था। ये देखिएगा जब कभी ग्रेडियंट फिलिंग होती है, यहाँ पे आपके पास आ जाता है स्पेसिफाई कलर्स, 255 ऑब्जेक्ट बना देगा, ठीक है। ये स्मूथ ब्लेंडिंग नजर आ रही है स्टूडेंट्स आपको, येलो से रेड की तरफ, ठीक है, येलो से ऑरेंज की तरफ। इनको आप कम भी कर सकते हो, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। कितने ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो आप? 10 ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो। ये देखिएगा स्पेसिफाई आपने कर दिया कितने, 10। ओके, ये देख रहे हो शेड्स अलग अलग, कितना खूबसूरती से उसने 10 ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट कर दिए। अगर आप चाहो तो इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हुए, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे कोई हेडिंग देनी है, कोई टेक्स्ट देना है ग्राउंड के ऊपर, ये ग्रेडियंट्स के साथ आपने ये सारा काम किया, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए कि इन कलर्स को क्या हम अब चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसको कलर्स को हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, इनको अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो आप इसको डबल क्लिक करके हर पॉइंट को अलग से कंट्रोल कर सकते हो। ये देख रहे हो बाद में भी हर पॉइंट को ये रेक्टेंगल्स एक तरह से बन गई हैं। और स्टूडेंट्स ये मजे की बात सुनो, ये रेक्टेंगल्स ग्रेडियंट के थ्रू बनी हैं। डबल क्लिक करोगे यू नीड टू चेंज द कलर, यू कैन डू इट। और ये देख लो आप यहां से भी ये इंडिविजुअल
हर एक स्ट्रिप बन गई, अलग अलग ये स्ट्रिप बन गई है, ठीक है। और ये स्ट्रिप बनाने के लिए आपने क्या यूज किया, ग्रेडियंट्स को। तो ग्रेडियंट का एक यूज ये भी हो सकता है जो मैंने अभी आपको परफॉर्म करके दिखाया, ठीक है। तो दोबारा से देख लो आपने करना क्या है। यू नीड टू गो लाइक दिस, या आप अपनी कोई भी रेक्टेंगुलर शेप बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप बना दी, ठीक है। इसके ऊपर ये सॉलिड कलर आपको ऑरेंज या येलो या जो भी आपको दिख रहा है, लेकिन अगर इसमें आप ग्रेडियंट फिल करोगे, ग्रेडियंट आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, ये ग्रेडियंट्स आ गए, ठीक है। ग्रेडियंट्स को आपको मैंने बताया था कि आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, रेड उधर चला गया, येलो इधर आ गया, रिवर्स कर दो, ठीक है, या जैसे भी आप इसको परफॉर्म करना चाहो। और ये करने के बाद अगर आप रेडियल पे अप्रोच जाओगे, रेडियल भी कर सकते हो, ये देखो ये कलर्स की प्रेजेंस नजर आ रही है, और इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। और अगर आपको कहा जाए कि इसके ऊपर आप इनको स्ट्रिप्स के फॉर्म में क्या देखा जा सकता है, नंबर ऑफ स्ट्रिप 5, 10, 20, 25 या 255, 255 स्मूद होता है कलर, आपको ये स्मूद नजर आ रहा हो, ये देखो क्लोज दिखा रहा हूँ, स्मूथ ब्लेंडिंग हो रही है फ्रॉम येलो टू रेड। और अगर आप इसको मजीद अलग अलग स्ट्रिप की फॉर्म में देखना चाहो तो आप इसमें एक्सपैंड कर, और एक्सपैंड में आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट 255, 255 पे आपकी उतनी स्टेप्स ज्यादा बन जाएंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 20, ओके। ये देख रहे हो कितना खूबसूरत आपका कंटेंट दिख रहा है, ग्रुप एक बन गया, ये देख रहे हो एक ग्रुप बन गया, और ग्रुप के अंदर देखो कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग हो गए, ये चेक कर लो, ये अलग है, ये बाहर वाला सर्कल अलग हो गया, ये अलग हो गया, हर एक एलिमेंट आपका अलग अलग आपको दिख रहा है। और अगर इसमें आप किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज करना चाहो, आप इसको चेंज कर सकते हो बाय डबल क्लिक, ठीक है। आप डबल क्लिक करके उस स्पेसिफिक कलर की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो, ये देखो जैसे ये है, इसमें से जिस पॉइंट को आप एक्टिवेट करना चाहो आप एक्टिवेट कर सकते हो, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, किसी एक को करना हो ये आप यहाँ से चेंज कर लीजिएगा। जैसे ये मैंने इसको सिलेक्ट किया है ऑरेंज, यहाँ पे येलो कर देता हूँ, वो देखो येलो सर्कल आ गया, रेड कर देता हूँ रेड सर्कल आ गया, ब्लू कर देता हूँ ब्लू सर्कल आ गया। और ये जब आपका एक्शन कंप्लीट हो जाए तो ये ऊपर देख रहे हो ग्रुप में आए हुए, असल में आप ये ग्रुप से आप लेयर में आ जाओ, लेयर से एग्जिट कर जाओ। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, आज आपने एक और चीज़ देखी कि ग्रेडियंट्स के थ्रू जब आप अपनी स्टेप्स बना लेते हो, चाहे लीनियर चाहे रेडियल, तो आप उसे एक्सपेंड करने के बाद, नंबर ऑफ स्टेप्स आप खुद से डिसाइड करने के बाद, आप इंडिविजुअल एक एक पॉइंट के अंदर चेंजेस अपनी जरूरत के मुताबिक आप कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये आपको ग्रेडियंट का, ये मैंने सिंपल आज मैश के साथ ग्रेडियंट की एक फर्दर अगला स्टेप मैंने आपको बताया, जो कि ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके आपने एक्सपेंड करने से नंबर ऑफ उसकी स्टेप्स को कंट्रोल किया। ये एक सिंपल वे होता है, जब कभी आप ग्रेडियंट फिलिंग करते हो तो ग्रेडियंट में जब आप फिल करने के बाद अगर आप चाह रहे हो कि उसको नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे लाए जा सकें, ये ब्लैक एंड व्हाइट करना है ब्लैक एंड व्हाइट कर दूँ, और अगर आपको पता है आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पे कलर्स एड ऑन कर सकते हो क्लिक करने से, यहाँ पे कलर एक और चलें डाल देते हैं रेड बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। ये आपके पास अब स्टेप्स को अगर आप देखना चाह रहे हो प्रॉपरली, या इसको आप कंट्रोल करना चाह रहे हो तो एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड करने के बाद ये 20 कलर्स हैं, 10 करने 15 करने जितने भी करने ओके कर दो, ये देखो ये देख रहे हो कलर्स आपके अलग अलग यहाँ पे नजर आ रहे हैं, आप किसी इंडिविजुअल कलर के अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको रिलीज करना चाहें आप इसको रिलीज भी कर सकते हैं, अगर आपसे कोई कहे ये अलग अलग हो सकती हैं स्टेप्स, ये रिलीज कर दो स्टेप्स को, ये देख रहे हो ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। बाद आपको ऐसी स्टेप्स क्रिएट करनी पड़ सकती हैं, और ये आप इनको पूरे आर्ट बोर्ड के ऊपर अलाइन करना चाहते हो, अलाइन याद है आपको,
अलाइन करना चाह रहे हो, लाइक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करना चाह रहे हो आर्टबोर्ड के रैलिंग, ठीक है, यहाँ से करिए, यहाँ से आप अलाइन टू आर्टबोर्ड कर दो और यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर लो। इसके लिए आसान तरीका ये होता है कि इसमें लास्ट वाला, बाकी ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बन गया हुआ है, इसको आप बड़े आराम से सुकून से इसको आप सेट कर सकते हो। यू नीड टू रिलीज फर्स्ट, ठीक है, रिलीज कर लीजिएगा इसको, रिलीज यहाँ से होता है। लिविंग मास्क में जाके यहाँ से रिलीज कर लीजिएगा इसको, ठीक है, और रिलीज करने के बाद आप इस इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को अगर आप साइड पे रखना चाहो यहाँ पे रख सकते हो। इन सब को अगर आपने सेलेक्ट करना है और करके पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर इसको प्लेसमेंट करनी है, इनको करके यहाँ से, और इसका ये जैसा ये वाइट स्ट्रिप नज़र आ रही है, इसको भी मैं इंडिविजुअली सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेता हूँ। और इन सब को सेलेक्ट करके बिटवीन दिस आप इसकी अरेंजमेंट करना चाह रहे हो, अलाइन में जाके यहाँ से आप इसको अलाइन कर सकते हो। ये देखिए बराबर बराबर फासले के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर उसको एक्सपेंड कर रहा है। तो बाद में आपको ये ग्रेडियंट भी यूज़ करते हुए आप अपना ये वाला एक्शन भी कंप्लीट कर सकते हो। वाइट एंड ब्लैक के दरमियान में ये स्टेप्स को आपकी पोजिशन कर दिया गया, अलाइन कर दिया गया, ठीक है। और डिस्टेंस मैनेज करना, डिस्टेंस भी मैनेज कर सकते हो। अलाइन में आपको पता डिस्टेंस की ऑप्शन भी होती है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। हॉरिजॉन्टली करना है, हॉरिजॉन्टली आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, रेलेवेंट टू सम ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह।